28 तारीख को पिछले महीने यह तय हुई थी कि माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ जाएंगे आदिवासी महोत्सव। उसके बावजूद ईडी के द्वारा समन आज के तिथि की घोषणा, हम ईडी के जांच में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालना चाहते। आज माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमको सम्मान क्यों क्यों करते थे, हमारी गलती है तो गिरफ्तार करो। मुख्यमंत्री का दायित्व, मुख्यमंत्री इस राज्य के प्रति उत्तरदायी है, उनका एक एक दिन एक एक घंटा इस राज्य के हित के लिए समर्पित। उनसे बगैर उनका शिड्यूल जानकर इस तरह से एक नैरेटिव सेट करना, यह हमको लगता है अत्यंत दुखद। और सही तरीका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़ा ईमानदार नेता है, उनका नाम है बाबूलाल मरांडी। वो तो जो कपड़ा भी पहनते हैं वो इतने ईमानदार है किसी से मांग के ही पहनते, और उन्होंने यहां तक कुतुब मीनार तक को रिजर्व करके रख लिया। जो मुझे जानकारी मिली है कि भारत पर्यटन और दिल्ली पर्यटन अब कोई दर्शक को कुतुब मीनार जाने नहीं दे रहा, क्योंकि वो आरक्षित है बाबूलाल जी के लिए कि कब बाबूलाल जी आ जाएंगे, कब उस पर चढ़ जाएंगे, कब वहां से कूद जाएंगे। वो आजकल हम लोगों को पाठ पढ़ा रहे ट्विटर से, चिड़िया उड़ाकर, चिड़िया को उड़ाने का काम आप कर सकते हैं। एक समूह से जो आक्रोशित होकर हजार कार्यकर्ता आज यहां पर उपस्थित हुए, वो इस बात का संकेत है कि जो साजिश रचने का काम किया जा रहा है उसका किस प्रकार से मुकाबला होगा। गांव गांव में, टोला टोला में, प्रखंड और जिलों में स्वतः स्फूर्त। कल भी हम लोग जब बात कर रहे थे ये बात बार बार आ रही थी, हम लोगों ने कहा कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश बहुत है, हम भी ये आकलन नहीं कर पाए कि हजारों की संख्या में लोग अपने आप आ जाएंगे। आनंद फनान में यदि पार्टी का कोई आधिकारिक कार्यक्रम होता तो स्टेज बनता, माइक की व्यवस्था की जाती, लेकिन आनंद फनान में टेम्पो पर हम लोगों को साउंड सिस्टम लगवाना पड़ा। आधे घंटे के अंदर किसी तरह टेबल खड़ा करके एक स्टेज बनाना, क्योंकि कार्यकर्ताओं में आक्रोश था, वो अपने नेता को सुनना चाहते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।